A very good afternoon to all of you. मेरा नाम है अमन. You're watching YT, your English tutor. आपका अपना YouTube चैनल जहाँ पे हर रोज बिगिनर लेवल से अपनी ग्रामर, वोकेबलरी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को आप मेरे साथ इम्प्रूव करते हो. और कैसे करते हैं हम? एक खास अंदाज में द हिंदू के एडिटोरियल्स को पढ़ करके. उसी अंदाज में आज सुबह के सेकेंड एडिटोरियल को हम लेने वाले हैं, विच इज टाइटल्ड एज नॉट सो स्वच्छ. एडिटोरियल स्वच्छ भारत अभियान पे, क्लीनलीनेस ड्राइव पे बेस्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की. बहुत ही ब्यूटीफुली लिखा हुआ है और सिंपल भी लिखा हुआ है. आज बिगिनर्स के लिए सीखने का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है. यू शुड हैव अ रीडिंग ऑफ द एडिटोरियल फर्स्ट, देन यू शुड कम टू द वीडियो. चलिए शुरू करते हैं फटाफट से, आइए कुछ नया सीखते हैं. सो स्वच्छ नहीं है, सो इतना स्वच्छ. स्वच्छ क्या होता है? शुद्ध हिंदी का वर्ड है ये, इवन मैं बोलूँगा संस्कृत का वर्ड है. इसका मतलब होता है क्लीन. नहीं है इतना क्लीन, नहीं है इतना साफ. देखिए किसके बारे में कह रहा है ये. सैनिटेशन कैन नॉट बी अ सेपरेट आइडियल विदाउट रेफरेंस टू अदर फॉर्म्स ऑफ डिप्रवेशन. बड़े बड़े वर्ड्स आए हैं इसमें, पर आप देखो ये वर्ड्स के अलावा इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. कह रहा है सैनिटेशन, क्या होता है सैनिटेशन? सफाई. कह रहा है सफाई जो है ना, कैन नॉट बी, नहीं हो सकती, अ सेपरेट, एक अलग से आइडियल. आइडियल क्या होता है? आपका आदर्श. आइडियल वो चीज़ होती है, बोलते हैं ना आप, आइडियल सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन, ऐसी कोई चीज़ जो बिल्कुल परफेक्ट हो. तो सैनिटेशन जो है ना, वो एक सेपरेट आइडियल नहीं हो सकता, एक सेपरेटली परफेक्ट चीज़ नहीं कर सकते आप सैनिटेशन के अंदर. कैसे? विदाउट, बिना रेफरेंस टू अदर फॉर्म्स ऑफ डिप्रवेशन. रेफरेंस बनाए, रेफरेंस बनाने का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की तरफ इशारा करना, पॉइंट आउट करना, किसी चीज़ को मेंशन करना. तो बिना मेंशन किए, बिना इशारा किए, बिना बात किए, दूसरी जो फॉर्म्स हैं डिप्रवेशन की. ये डिप्रवेशन बहुत अच्छा वर्ड है. इसका मतलब होता है जब आप किसी चीज़ से, आप कोई चीज़ की कमी होती है ना आपके पास, तो आप डिप्राइव्ड होते हो उस चीज़ के लिए. डिप्रवेशन का मतलब है अभाव, हिंदी में बोला जाए तो, या आप इंग्लिश में बोलो तो पॉवर्टी. सैनिटेशन को आप अलग से, एक सेपरेट आइडल नहीं बना सकते. कैसे? बिना रेफर किए, बिना मेंशन किए, जो दूसरे फॉर्म्स हैं पॉवर्टी के, उनको बिना अभावों को, बिना मेंशन किए. मतलब सफाई से कुछ नहीं होगा, लोगों के पेट में खाना भी होना चाहिए और आपकी टॉयलेट जो बन गई है उनको यूज़ में भी आना चाहिए, तभी सैनिटेशन का मामला जो है सुधरेगा. अब इस सेंटेंस में देखने वाली चीज़ क्या है? सैनिटेशन मैंने आपको बताया, इसके बहुत अच्छा एक सिनोनिम है, क्लीनलीनेस तो है ही, दूसरा इसका सिनोनिम है हाइजीन. ये सिनोनिम जो है सुनते बहुत लोग हैं, मतलब बहुत लोग, कम लोगों को पता होता है. हाइजीन मतलब सफाई. रेफरेंस मैंने आपको बताया था, किसी चीज़ की तरफ पॉइंट आउट करना, मेंशन करना किसी चीज़ को. और इसके लिए हमारे पास बहुत सोफिस्टिकेटेड वर्ड है, एल्यूजन. आप इसको वर्ब फॉर्म में बोलोगे एल्यूड करना, टू एल्यूड टू समथिंग, किसी चीज़ की तरफ इशारा करना. डिप्रवेशन मैंने आपको बता दिया, अभाव, इसको पॉवर्टी बोल दो, हार्डशिप बोल दो. और इसका अच्छा सिनोनिम है डेस्टिट्यूशन, बहुत ज़्यादा अभाव होते हैं ना, उसे कहते हैं डेस्टिट्यूशन. सेंटेंस समझ गया मेरे साथ? एक छोटी समरी दे देता हूँ एडिटोरियल शुरू करने से पहले, किस बारे में है ये. देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है स्वच्छ भारत प्रोग्राम, क्लीनलीनेस ड्राइव है ये, सफाई, साफ सफाई का अभियान है. इसके अंदर इन्होंने अभी गांधी जी की जयंती पे, 150th बर्थडे पे कह दिया कि हमने इंडिया को ओपन डेफेकेशन फ्री बना दिया है, मतलब खुले में कोई भी टॉयलेट नहीं जाता है. अभी इसकी पोल खुली है, इसकी दावे की, डिक्लेरेशन की. जब एक गवर्नमेंट एजेंसी ने बता दिया, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने, कि ये गलत है, कोई अभी भी इसमें बहुत सारी शॉर्ट कमिंग्स हैं, डेटा जो आपको भेजा ना वो स्टेट्स ने गलत भेजा. तो अब ये एडिटोरियल क्या कह रहा है? आप कर रहे हो, सही दिशा में जा रहे हो, सही डायरेक्शन में जा रहे हो, जो कर रहे हो वो करते रहो, अपने डेटा को सुधारो और जो कमियां रह गई हैं पहले उनको पूरा करो, उसके बाद आप बोलो कि वी आर क्लीन ऑन द वर्ल्ड प्लेटफॉर्म, ग्लोबल प्लेटफॉर्म. मतलब झूठी बात मत बोलो, सच बात बोलो, पूरा करने के बाद खुले दिल से, खुली छाती के साथ बोलो हमने कर दिया है. इसी के ऊपर बेस्ड है अपना आज का एडिटोरियल. टोन होगी इसकी, रेकमेंड करने वाली टोन है जो इसकी, उसके अंदर सजेशन दे रहा है, तो सजेस्टिव टोन है एडिटोरियल की. शुरू करते हैं फटाफट से. कह रहे हैं इंडियाज हाई प्रोफाइल स्वच्छ भारत प्रोग्राम has won it plaudits. इंडिया का, ये तो आप जानते हैं ना, पजेसिव नाउन बना हुआ है, apostrophe s. अच्छा इंडिया का क्या है? हाई प्रोफाइल स्वच्छ भारत अभियान. ये स्वच्छ भारत प्रोग्राम है, ये एक स्कीम का नाम है, और ये हाई प्रोफाइल. हाई प्रोफाइल क्या होता है? जिसने
अपने आप को बहुत जो है ना लाइमलाइट में ला रखा हो वो हो जाता है हाई प्रोफाइल। तो इंडिया का ये बहुत लाइमलाइट वाला बड़ा फेमस अभियान है, प्रोग्राम है, कह रहा हैज़ वन इट प्लॉडिट्स, इसने इसको जिताए हैं, वन इट किसको जिताए हैं, इंडिया को प्लॉडिट्स। प्लॉडिट्स क्या होते हैं, प्रेज, एक्लेम, प्रशंसा, अपलोड, इसने बड़ी प्रशंसा जिताई है इंडिया को। और कहाँ पे, ग्लोबली, पूरी दुनिया में। और कैसे और क्यों, फोर लगा के बता रहा है, फॉर इट्स गोल ऑफ प्रोवाइडिंग सैनिटेशन टू ऑल, के लिए इसके जो गोल मकसद है प्रोवाइड करने का, ला करके देने का साफ सफाई को, सैनिटेशन को टू ऑल, सभी के लिए, आगे लगा दिया कोमा। इतना समझ गए ना मेरे साथ। बट लेकिन जैसा कि नया सर्वे का डेटा इस ऑर्गेनाइजेशन से आया है और वो शो करता है कि ये अभी भी बना हुआ है एक वर्क इन प्रोग्रेस, अभी भी ये बात जो है ना सही नहीं है, पूरा हुआ नहीं है काम, समझ मेरी बात को। सेंटेंस में देखने वाली चीज़ क्या है, प्लॉडिट्स मैंने आपको बताया, प्रशंसा, अप्लॉड्स, एक्लेम, इसका एक और सुनाने होता है बहुत अच्छा, ओवेशन। ओवेशन आपने बहुत बार सुना होगा, लेट्स गिव यू मे स्टैंडिंग ओवेशन, उसको एक स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं, खड़े होकर के क्लैपिंग करते हैं, तो उसको एक ऐसी प्रशंसा मिलेगी जो हम स्टैंड होकर के देंगे, खड़े होकर के, स्टैंडिंग ओवेशन। दूसरी चीज में देखने वाली चीज़ थी, देखो एज न्यू सर्वे डेटा फ्रॉम द NSO शो, डेटा के बाद में क्या लगाया इन्होंने, डेटा के लिए वर्ब शो, ये सर्वे डेटा है ना इसी के लिए वर्ब लगाइए शो। ये डेटा प्लूरल कलेक्टिव नाउन है, देखो मास कलेक्टिव नाउन बोलते हैं और प्लूरल फॉर्म में यूज होता है, इसलिए हमने यहाँ पे शो लगाया है। पर मैं देखने वाली चीज़ ये बताना चाह रहा हूँ, इसमें कभी कभी आप डेटा के साथ में शोज भी देखोगे, दोनों चीज़ें करेक्ट हैं, डेटा है, सैंड है, सॉल्ट है, ऐसी सब चीज़ें जो होती हैं ना इनको आप प्लूरल और सिंगुलर दोनों फॉर्म में यूज़ करते हैं। चलिए आगे बढ़े, कह रहे द क्वेस्ट टू इक्विप हाउसेस इन द कंट्री साइड विद अ टॉयलेट हैज लेड टू एन एक्सपेंशन। देखिए क्वेस्ट, क्वेस्ट होती है तलाश, कोशिश, कह रहे जो कोशिश और तलाश है ना क्या करने की, इक्विप करने की, इसका मीनिंग मैं आपको बताऊंगा, अभी आप समझो इक्विप का करने का मीनिंग, हम जो है आगे इसके लिए पेंडिंग रखते हैं अपने, इक्विप करने की घरों को कंट्री साइड में। कंट्री साइड का मतलब क्या होता है, ऐसी साइड जो कंट्री के अंदर है, रूरल एरिया को अपने कंट्री बोलते हैं, एक्चुअल में कंट्री बोलते हैं ना देसी है, देसी का मतलब क्या है, गांव से है, उसी को अपने कंट्री बोलते हैं इंग्लिश में। तो कंट्री साइड का मतलब हो गया देसी एरिया, रूरल एरियाज, जो तलाश है इक्विप करने की घरों को ग्रामीण इलाकों में, रूरल एरियाज में, और कैसे करना है इक्विप, विद अ टॉयलेट, एक टॉयलेट के साथ। अब देखो इक्विप का मतलब क्या हुआ, कहीं पे जाकर के आप कोई चीज़ फिट कर देते हो ना, तो उस चीज़ को इक्विप, उस जगह को इक्विप कर देते हो उस चीज़ से आप, जैसे आपने अपनी गाड़ी के अंदर हॉर्न लगाया, यू इक्विप योर कार विद अ प्रेशर हॉर्न, समझ रहे हो बात को, जैसे आपने अपने घर में पंखा लगाया, यू इक्विप द योर बेडरूम इन योर हाउस विद अ फैन, ठीक है, वैसे यहाँ पे इसने एक टॉयलेट को इक्विप किया घरों में। सो क्वेस्ट है इक्विप करने की हाउसेस को विद अ टॉयलेट, समझ मेरे बात को, इक्विप ऐसे यूज करते हैं हम। कह रहे जो क्वेस्ट है ना हैज़ लेड टू एन एक्सपेंशन, ये हैज़ ले जा चुकी है, लेड टू कर चुकी है, लीड टू करने का मतलब क्या, आगे ले जाना, ये हमें ले जा चुकी है एक एक्सपेंशन की तरफ, आगे विस्तार हुआ है, एक्सपेंशन हुआ है, चीज़ें आगे जो है जो उम्दा हुई हैं और बेहतरीन हुई हैं। बट लेकिन देर वॉज अ डेफिसिट ऑफ अबाउट 28%, वहाँ था, देर वॉज एक डेफिसिट, एक कमी, एक शॉर्टफॉल, एक गैप 28% का, लगभग 28% का, एज ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर के हिसाब से लास्ट ईयर, पिछले साल के, एंड नॉट 5% एज द स्वच्छ भारत अभियान हैड क्लेम्ड, और नहीं था 5% जैसा कि इस अभियान ने, स्वच्छ भारत अभियान इसके ग्रामीण रूरल वाले जो है ना इसकी स्कीम ने हैड क्लेम्ड, क्लेम किया था, समझ गए बात को। पूरा सेंटेंस फिर से जोड़ रहा हूँ, सिंपल बनाओ फिर बोल रहा हूँ, आप एक बार इसकी रीड आपको लेनी चाहिए, मेरी आपको ये नसीहत है आज की। ये जो क्वेस्ट है, तलाश है घरों में फिट करने की कंट्री साइड के अंदर टॉयलेट, ये ले गई है एक्सपेंशन की तरफ, बहुत एक्सपेंशन आया टॉयलेट के नंबरों में, लेकिन एक गैप था अभी भी, देयर वॉज ए डेफिसिट 28% का अक्टूबर में लास्ट ईयर, और नहीं था 5% का जैसा कि इस स्वच्छ भारत अभियान के रूरल वाली स्कीम ने क्लेम किया था। ये 28% बताया NSO ने था, ये 5% बनाया था स्वच्छ भारत अभियान ने। इक्विप आप समझ गए सेंटेंस में, क्वेस्ट के मतलब तलाश होता है, इसके बहुत अच्छे सिनोनिम्स अपने पास, एक है परस्यूट, आपने मेरे साथ कल देखा था ना, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, परस्यूट ऑफ सक्सेस, तो ये क्वेस्ट ऑफ इक्विपिंग ये भी हो सकता था। इसको आप चेज भी बोल सकते हो, किसी चीज़ की तलाश करते हो, पीछा करते हो आप किसी का, और एक वर्ड है इसके लिए एक्सपेडिशन। कंट्री साइड आप मेरे साथ समझ गए, डेफिसिट होता है गैप या शॉर्टफॉल या कमी। आगे बढ़े, ग्रामीण क्या होता है, रूरल, इसने आज जो है ना थोड़े से हिंदी वर्ड यूज किए हैं,
प्योर हिंदी के, ग्रामीण जो है हिंदी का वर्ड है प्योर हिंदी का, इसका मतलब होता है शहरी नहीं गांवों वाला. द डिक्लेरेशन दैट द कंट्री हैज़ एंडेड ओपन डेफिकेशन इन इट्स रूरल एरियाज. जो डिक्लेरेशन है, जो घोषणा की है, जो ऐलान किया है, दैट वो ये कि कंट्री हैज़ एंडेड, कंट्री ख़त्म कर चुकी है ओपन डेफिकेशन, खुले के अंदर डेफिकेशन को, खुले में टॉयलेट जाने को, इन इट्स रूरल एरियाज, इसके रूरल एरियाज में, इसके गांव वाले इलाकों में. कह रहा मे टू इंटरनेशनल एक्लेम. देखिए मेक करने का मतलब क्या होता है, मेक की सेकंड फॉर्म है मेट. डेक्लेरेशन, रेवलेशन, घोषणा, ऐलान, इनके आगे आप मेक लिखते हो. ही मेड द डेक्लेरेशन, ही मेक अ रेवलेशन. समझ रहे मेरी बात को? तो डेक्लेरेशन जो कि बनाई गई इंटरनेशनल एक्लेम के लिए. इंटरनेशनल मतलब दुनिया भर का, एक्लेम मतलब वाहवाही, एक्लेम मतलब अप्रूवल. जो डेक्लेरेशन थी ये वाली बनाई गई इंटरनेशनल एक्लेम के लिए, और कब बनाई गई ऑन लगा बताएगा, महात्मा गांधी 150th बर्थ एनिवर्सरी, इनके 150वें बर्थडे पे. और बनाने वाले कौन थे, बॉय लगा करके बता रहा है, पीएम मिस्टर नरेंद्र मोदी, ये थे बनाने वाले. इतना समझ गए मेरी बात? डेक्लेरेशन जो कि बनाई गई दुनिया भर में वाई वाई के लिए इस टाइम पे, और बनाने वाले थे ये, और ये थी डेक्लेरेशन कि हमारे देश में ओपन डेफिकेशन फ्री है रूरल एरियाज. कह रहे मस्ट रिटर्न टू द विश लिस्ट. ये जो डेक्लेरेशन है ना, इसको मस्ट होना ही चाहिए रिटर्न, वापस आ जाना विश लिस्ट की तरफ. अब ये विश लिस्ट क्या होती है, आपने अगर सपने कुछ बुने हो ना, यार मुझे इस एग्जाम को क्लियर करना है, इस वाली नौकरी को पाना है, मुझे ये काम करना है, यहाँ जाना है, ये खाना है, वहाँ घूमना है, उससे शादी करनी है, उसको थप्पड़ मारना है, ये सब जो आपने अपने जो ख्वाब बना रखे ना दिमाग में, ये सब दिमाग के आपके ख्वाब बनते हैं, विश लिस्ट को बनाते हैं. तो विश लिस्ट मतलब इस डेक्लेरेशन को फिर से उस लिस्ट पर आ जाना चाहिए जो काम अभी अधूरे हैं. समझ रहे बात को? और कैसे, गोइंग बाय दिस सर्वे, इस सर्वे के हिसाब से. अगर इस सर्वे को देखें तो ये डेक्लेरेशन अभी पूरी नहीं हुई है, विश लिस्ट में डाल दो और इसके ऊपर काम करो. अब देखो इसमें देखने वाली चीज़ क्या है, एक्लेम मैंने आपको बताया वाहवाही, एक्लेम का मतलब होता है किसी की अप्रूवल. विश लिस्ट को एक बहुत दूसरा वर्ड है इसका इनफॉर्मल, बकेट लिस्ट बोलते हैं आप अपने. जब आप इनफॉर्मल इंग्लिश बोलते हैं ना तो आप विश लिस्ट नहीं बोलते, उसको बोलते हैं बकेट लिस्ट. चलिए आगे बढ़ते हैं. गोइंग बाय मैंने आपको बता दिया के हिसाब से. करे इट इज़ एक्स्ट्रॉर्डनरी दैट मैनी स्टेट्स दैट वर डिक्लेयर्ड टू बी फ्री ऑफ ओपन डेफिकेशन. करे इट इज़, ये है एक्स्ट्रॉर्डनरी. एक्स्ट्रॉर्डनरी क्या होता है, एक्स्ट्रा प्लस में ऑर्डनरी. ऑर्डनरी होता है साधारण, सिंपल. एक्स्ट्रा मतलब सिंपल से थोड़ा सा एक्स्ट्रा. कौन सी चीज़ सिंपल से एक्स्ट्रा होगी, स्पेशल. कह रहे ये बड़ी स्पेशल बात है, इट इज़ एक्स्ट्रॉर्डनरी. वो क्या है कि दैट ये मैनी स्टेट्स, बहुत सारी स्टेट्स हैं, दैट वर डिक्लेयर्ड, जो कि डिक्लेयर हुई थी. पैसिव वॉइस बना हुआ है, वर के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, जिनको डिक्लेयर किया गया था. और क्या, टू बी फ्री, फ्री होना. और किससे, ओपन डेफिकेशन से, खुले में टॉयलेट जाने से. सिंपली डिड नॉट क्वालिफाई फॉर द स्टेटस. देखो सिंपली साफ साफ तरीके से, बिल्कुल सिंपल तरीके से, नहीं किया क्वालिफाई इस स्टेटस के लिए. किसने नहीं किया, मैनी स्टेट्स ने. अगर इसकी पार्सिंग अभी आप करो ना तो मैनी स्टेट्स ही एक ऐसा नाउन बचेगा जो इस सिंपली डिड नॉट क्वालिफाई का सब्जेक्ट बनने को तैयार होगा. तो समझ रहे मेरी बात को? आगे बढ़ते हैं. कह रहे अकॉर्डिंग टू द NSO डेटा, के हिसाब से NSO डेटा के. तो कह रहा बड़ी एक्स्ट्रॉर्डनरी सी बात है, स्पेशल बात है ये कि जिन स्टेट को आपने बोल दिया कि डेफिकेशन फ्री है, एक्चुअल में NSO डेटा कहता है कि वो डेफिकेशन फ्री होने का अभी जो स्टेटस है उसको उन्होंने क्वालिफाई नहीं किया है. अब देखो ये टू बी आ रहा है आपके पास. टू बी को मैं ना, ये तीन स्ट्रक्चर होती हैं, टू बी प्लस में नाउन, टू बी प्लस में एडजेक्टिव, टू बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म. ये थर्ड और लिख देता हूँ मैं, V3. ये तीनों स्ट्रक्चर ना अगर आप टू बी का मतलब समझ जाओ तो बड़ी इजीली क्लियर हो जाएंगी. टू बी का मतलब होता है होना, इट्स अ इन्फिनिटिव. टू बी मतलब होना, जहाँ पे नाउन आ जाए तो वो नाउन होना, एडजेक्टिव आ जाए तो एडजेक्टिव होना, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो पैसिव वॉइस बन जाएगा. बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होगी तब भी होगा, इसका मतलब होना. आप यूज़ करोगे इसी सेंटेंस के अंदर, सॉरी इसी पैसेज के अंदर तीनों बार इसको स्ट्रक्चर को आप देखोगे आज. तो अभी क्या है, टू बी के साथ में आया फ्री, फ्री होता है एडजेक्टिव, तो मतलब फ्री होना. तो बहुत सारी स्टेट्स जो कि फ्री होना डिक्लेयर हुई थी, बहुत सारी स्टेट्स जिनको डिक्लेयर किया गया था कि वो फ्री हैं. सॉरी बात को, टू बी मतलब होना. आगे और आएगा टू बी, ध्यान करें, गौर करें इसी एडिटोरियल में. कह रहे द सेंटर हैज़ डिस्प्यूटेड. डिस्प्यूट करने का मतलब क्या होता है, झगड़ा करना, किसी बात को काट देना. सेंटर ने डिस्प्यूट कर दिया द सर्वे रिजल्ट्स, इस सर्वे के रिजल्ट्स को. बट लेकिन
इट शुड आइडली ईट रीड इज़ अ फ्रेश असेसमेंट, इसको शुड करना चाहिए आइडली, आइडियल देखा था ना आपने वो मेरे साथ, उसी की दूसरी फॉर्म बनाई है इसने आइडली एडवर्ब करा, इन आइडियल फॉर्म में उसको ट्रीट करना चाहिए, आदर्श रूप में ट्रीट करना चाहिए, एक ताज़ा असेसमेंट की तरह। असेसमेंट क्या होता है, किसी चीज़ का जायजा करना, एग्जामिनेशन करना, और किस चीज़ की असेसमेंट, ऑफ हाउ मच ग्राउंड इज़ येट टू बी कवर्ड, कितना मच ग्राउंड, कितनी सारी ज़मीन अभी भी कवर करना बाकी है, दिल्ली अभी भी कितना दूर है, समझ रहे बात को, ये ऐसे एक असेसमेंट बननी चाहिए, इसको मालूम चले कितना हम पानी के अंदर है, कितना काम अभी बाकी है। तो ये फ्रेज होता है हाउ मच ग्राउंड इज येट टू बी कवर, कितना ग्राउंड अभी कवर करना बाकी है, कितना काम अभी तक हुआ नहीं है। कह रहे द डेटा कुड हेल्प इट रिव्यू परफॉर्मेंस इन स्टेट सच एज झारखंड, जो ये डेटा है कुड कर सकता है हेल्प मदद इसको इट रिव्यू करने में, फिर से देखने में, रिव्यू मतलब री मतलब फिर से, व्यू मतलब देखना, किसी चीज़ पे फिर से गौर करने में, और किसको परफॉर्मेंस को, इन स्टेट्स उन राज्यों में सच है जैसे कि झारखंड तमिलनाडु एंड राजस्थान, इन तीनों के अंदर। अब ये कौन से राज्य हैं, कौन से स्टेट्स हैं, आगे कॉमा लगा के बता रहा है, वेयर द लैक ऑफ टॉयलेट इज रिपोर्टेड टू बी हायर, जहाँ पे लैक ऑफ टॉयलेट्स, टॉयलेट्स की जो कमी है, लैक ऑफ मतलब शॉर्टेज स्कैर्सिटी, जो कमी है लैक ऑफ है टॉयलेट्स का, इज रिपोर्टेड, उसको रिपोर्ट किया गया, पैसिव वॉइस है इज रिपोर्टेड, टू बी प्लस में फिर एडजेक्टिव आ गया, होना हायर मतलब ज़्यादा, जहाँ पे टॉयलेट का लैक होना रिपोर्ट किया गया ज़्यादा देन कंपेयर में द नेशनल एवरेज, पूरे नेशनल की एवरेज के, मतलब नेशनल एवरेज कहती है कि 100 में से 5 घरों में टॉयलेट नहीं है, तो इन स्टेट्स में 3 में कहते हैं कि 100 में 15 घरों में टॉयलेट्स नहीं है, समझ बात को। तो इज रिपोर्टेड टू बी हायर, इज रिपोर्टेड इज पैसिव वॉइस, टू बी का मतलब है होना, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, हायर यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, तो टू बी की जगह अगर आप होना रिप्लेस कर दोगे ना, तो आपकी टू बी वाली स्ट्रक्चर बड़ी इजिली आप क्लियर कर लोगे। आगे बढ़े, करें मोर फंडामेंटली, फंडामेंटली क्या होता है, फंडामेंटल हर वो चीज़ है जो बेसिक है, तो कह रहा और अगर बेसिक में जाएं, बेसिकली अगर हम देखें, फंडामेंटली देखें, द सर्वे प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी, ये जो सर्वे है ना ये प्रोवाइड करता है, हमें देता है एक मौके को, क्या करने का, टू रिव्यू, रिव्यू करने का, रिव्यू मैंने भी बताया था ना, फिर से किसी चीज़ की तरफ गौर करना, और क्या रिव्यू करना है, अदर सोशल डिटर्मिनेंट्स, दूसरे अदर सोशल सामाजिक डिटर्मिनेंट्स को, डिटर्मिनेंट्स कौन है, हर वो चीज़ जो किसी चीज़ को डिटर्मिन करती है, डिटर्मिन करने का मतलब है फैसला करना, किसी चीज़ का निर्धारण करना, डिटर्मिनेंट को हिंदी में बोलेंगे कारक, और इंग्लिश में इसका सिंपल वर्ड मीनिंग होगा फैक्टर्स, समझ रहे बात को। ये सर्वे एक मौका देता है, प्रोवाइड करता है एक अपॉर्चुनिटी को, जो है एक मौके को कि रिव्यू कर सको दूसरे सोशल कारकों को, फैक्टर्स को, डिटर्मिनेंट्स को, सच है जैसे कि एडुकेशन, हाउसिंग एंड वाटर सप्लाई, ये तीनों के तीनों डिटर्मिनेंट्स। अब देखो ये बताएगा आगे कौन से हैं, इनकी खासियत क्या है, कह रहा है विच हैव अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन अडॉप्शन ऑफ सैनिटेशन, जिनके पास विच हैव है एक बहुत ही मजबूत असर, इन्फ्लुएंस अडॉप्शन के ऊपर, अमल में लाने के ऊपर, अपने आप में अपनाने के ऊपर, सैनिटेशन को जो है सफाई को। आपके पास एजुकेशन होगी, सही घर होगा, वाटर सप्लाई होगी, यही तीनों ऐसे डिटर्मिनेंट फैक्टर्स हैं जो आपको इन्फ्लुएंस करेंगे अपनाने को, सैनिटेशन को आपको मोटिवेट करेंगे, सैनिटेशन को आप अपनाओ। आज मैं एसएससी के और बैंकिंग के पिछले कई कुछ सालों के सेंटेंस करेक्शन क्वेश्चंस देख रहा था, तो मुझे बहुत हंसी आई उन क्वेश्चंस को देख करके। कर क्या रहे थे वो उस क्वेश्चन में, ज़्यादातर क्वेश्चंस के अंदर वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ही ले रहे थे। सिंपल, अगर आपके पास सब्जेक्ट है तो वर्ब के पीछे एस होना चाहिए, अगर आपके पास प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब के पीछे एस नहीं होना चाहिए। ये रूल को मेरे ख्याल से 10 में से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हर पेपर के अंदर उन्होंने लिया हुआ है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को आप सीख लें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर ये होता है। टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद में एक वर्ब दी होती है बिना हेल्पिंग वर्ब के। इस प्रोवाइड से पहले कोई वर्ब आ रही है दूसरी, हैज आ रहा है, हैव आ रहा है, डू आ रहा है, डिड आ रहा है, इज आ रहा है, एम आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, प्रोवाइड लगा हुआ अकेला। ये जो ऐसे सेंटेंसेज होते हैं इनको बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सब्जेक्ट के बाद में एक वर्ब लगी होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो इनमें होता क्या है, जब भी सब्जेक्ट आपका सिंगल होगा, जैसे सर्वे है अकेला है, तो प्रोवाइड नहीं आएगा, प्रोवाइड्स आएगा। सर्वेज होता, सर्वे के पीछे एस लगा होता तो प्रोवाइड्स नहीं आएगा, प्रोवाइड आएगा। या तो यहाँ एस होगा या यहाँ पे एस होगा, समझ रहे हो, दोनों में से एक जगह यस होगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे इतने सारे क्वेश्चन बने हुए थे। दूसरी चीज़, ये विच यहाँ पे किसके लगा है, ये लगा इन तीनों चीज़ों के लिए, एजुकेशन,
हाउसिंग एंड वाटर सप्लाई, तीनों के लिए ये विच कुछ बताना चाह रहा है। और ये मुझे पता कैसे चला, इसके बाद में हैव लगा हुआ है, तीन चीज़ें हैं ना इसलिए हैव लगा हुआ है। अगर ये खाली वाटर सप्लाई होती ना तो यहाँ पे मैं हैज लगाता, सिर्फ और सिर्फ वाटर सप्लाई की बात मैं करता। समझ बात को, आगे बढ़े। कह रहा है इट वुड बी पॉइंटलेस। क्या होती है पॉइंटलेस? कोई चीज़ जिसका कोई पॉइंट नहीं हो, इसको दूसरे वर्ड्स में बोलते हैं मीनिंगलेस। कह रहा है ये बिल्कुल बेतुकी सी बात हो जाएगी, पॉइंटलेस सी बात हो जाएगी। टू परस्यू, परस्यू करना, अभी ऊपर आपको मैंने बताया था चेज करना, किसी चीज़ को क्वेस्ट करना, किसी चीज़ को परस्यू करना, किसको, सैनिटेशन को, सफाई को, एज अ सेपरेट आइडल, एक सेपरेट आइडियल की तरह। इफ़ अगर कम्युनिटीज, जो संप्रदाय हैं, जो सोसाइटीज हैं, कह रहे आर अनेबल, वो अनेबल हैं, उनके पास ताकत नहीं है टू सी, देखने की इट्स बेनिफिट्स, इसके बेनिफिट्स को, इसके अच्छी अच्छी चीज़ों को, ड्यू टू के कारण, ओवरऑल कुल मिलाकर के, टोटली डिप्रावेशन, अभावों के। समझ रहे बात को, अगर कम्युनिटी इतनी डिप्राइव्ड है, इतनी गरीब है, इतनी अनएजुकेटेड है, उसको समझ नहीं आता है कि जो है परस्यू करने से सैनिटेशन को होगा क्या, तो वो बेनिफिट नहीं देख पाएगी ना, तो वो कम्युनिटी कभी फॉलो नहीं कर पाएगी, कहने का मतलब ये। इसलिए कह रहा है पॉइंटलेस होगा परस्यू करना सैनिटेशन को एक सेपरेट आइडियल की तरह। ये डिप्रावेशन को, वर्ड को यहाँ नोट करें, फिर से आ रहा है डिप्रावेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की कमी, किसी चीज़ के अभाव। आगे बढ़ते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ बीन री आइट्रेटिंग। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट अकेली है इसलिए हैज लगा है, यहाँ पे ये तीन फैक्टर्स थे तो हैव लगा हुआ है। बार बार नोट करें आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को। कह रहे सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ बीन रीआइट्रेटिंग, हैज़ बीन बस है वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर से आ गई आपकी हैज़ बीन वाली फॉर्म, करती आ रही है रीआइट्रेट। रीआइट्रेट करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को बार बार दोहराना, बार बार चिल्लाना, तो बार बार कहती आ रही है सेंट्रल गवर्नमेंट ये। कह रहा इट्स क्लेम्स, इसके क्लेम को कहती आ रही है ऑन रूरल इंडिया, रूरल इंडिया पे। कह रहा बिकमिंग एंटायरली ओपन डेफिकेशन फ्री, इसका जो क्लेम है ना रूरल एरिया के ऊपर हो जाने का पूरी तरह से ODF, ओपन डेफिकेशन फ्री होने का, कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ डिक्लेरेशन, उस आधार पे, उस बेसिस पे डिक्लेरेशन के, ऐलान के, जो कि मेड बाय हैं, बनाए जाए, जो कि बनाए गए हैं स्टेट्स के द्वारा। डिक्लेरेशन के बाद फिर से आया मेड। पूरा सेंटेंस फिर से बता दूं, सेंट्रल गवर्नमेंट बार बार चिल्ला रही है, बार बार रिएट्रेट कर रही है इसके क्लेम को, इसके रूरल इंडिया के बनने के पूरी तरह से ओपन डेफिकेशन फ्री का, किस बेसिस पे, कह रहा ऑन द बेसिस ऑफ उस डिक्लेरेशन के, उस ऐलान के, जो कि मेड बाय हुआ है, जो कि बनाया गया है स्टेट्स के द्वारा, जो राज्यों ने बनाया है, उसके हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया कि देखो हो गया हमारा ओपन डेफिकेशन फ्री। ये हैज़ बीन बस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अपने इसको रिपीट कर चुके हैं, अच्छे से डिटेल में देख चुके हैंज़ बीन के सारे सारे स्ट्रक्चर्स को, वीडियो रखी है अभी ऊपर डाल रहा हूँ आई बटन में, जिन्होंने नहीं देखी है ना ये आपके बेसिक्स हैं, क्लियर करो इनको, होते क्या है हैज़ बीन हैव बीन, उसके बाद आप जो ना आगे बढ़ें। कह रहे जस्ट लास्ट वीक, पिछले ही हफ्ते, द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति सेड, जो ये मिनिस्ट्री थी ना जल शक्ति नाम की, जल शक्ति मतलब वाटर मिनिस्ट्री की बात कर रहे, इसका नाम होगा जल शक्ति। कह रहे सेड, इसने ये कहा, द कवरेज इन 599963 विलेज हैड रिजन, जो कवरेज थी इतने सारे विलेजेस में वो राइज हो चुकी थी, हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, हो चुकी थी राइज, बढ़ चुकी थी वो, कहाँ पे, फ्रॉम 30.38.7% इन 14 टू 100% दिस ईयर। 14 में थी इतना और 100% हो गई इस साल में इतना, ये लास्ट वीक इसने जल शक्ति ने बोला है कवरेज का। जल शक्ति की कवरेज का मतलब क्या है, वाटर सप्लाई कितने लोगों को मिल रही है, कह रहा है 100% लोगों को मिल रही है। कह रहा है इट इज़ इनडिस्प्यूटेबल, ये इनडिस्प्यूटेबल है। इनडिस्प्यूटेबल का मतलब क्या है, जिस चीज़ को आप डिस्प्यूट नहीं कर सकते हो, जिस चीज़ को जो है ना आप खंडन नहीं कर सकते हो, हिंदी में बोलना, किसी की बात को मना नहीं कर पाओ ना, तो वो इनडिस्प्यूटेबल हो जाती है। कह रहा इट इज़ इनडिस्प्यूटेबल, इस बात को नकारा नहीं जा सकता, दैट वो ये कि द नंबर ऑफ टॉयलेट्स हैज़ गॉन अप सिग्निफिकेंटली, जो नंबर ऑफ टॉयलेट्स है ना, जो आंकड़ा है टॉयलेट्स का, हैज़ गॉन अप, वो गॉन अप हो चुका है, ऊपर आ चुका है सिग्निफिकेंटली, बहुत बड़े फॉर्म में, बहुत बड़े क्वांटिटी के अंदर। कह रहा है एंड फॉर विच टैक्स पेयर्स रेमिटेड, जिसके अंदर या जिसके लिए टैक्स पेयर्स ने रेमिट किया। रेमिट करने का मतलब क्या होता है, हम जब भी कोई पैसा किसी को देते हैं ना, पेमेंट करते हैं, तो हम रेमिट करते हैं उसको, तो टैक्स पेयर ने पेमेंट किया है इतने हजार करोड़ की, 20,600 करोड़ की, और कैसे, एज अ सेस, एक सेस के फॉर्म में, सेस होता है टैक्स के साथ में एडिशनल टैक्स,
एडिशनल टैक्स की तरह दी है, और कब से? सिंस 2015, 2015 से। देखो ये सेंटेंस थोड़ा सा लंबा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ले लेते हैं, फिर आगे वाला देख लेंगे। ये बड़ी अनडिस्प्यूटेबल सी बात है कि जो नंबर है ना टॉयलेट्स का, वो ऊपर चला गया सिग्निफिकेंटली। कोई खंडन नहीं कर सकता इस बात को, कोई झुठला नहीं सकता कि नंबर तो बढ़ा है, करे, और जिसके लिए टैक्स पेयर ने पैसा भी जमा करवाया है, इतने हजार करोड़ एक सेस की तरह से, एक एडिशनल टैक्स की तरह से 2015 से। 2015 से हम सेस दे रहे हैं इनकम टैक्स के साथ, ताकि देश में टॉयलेट्स बन सके जिन लोगों के घर पर टॉयलेट्स नहीं है। कहने का मतलब ये, करे, अनटिल द इंट्रोडक्शन ऑफ GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और ये कब तक हुआ सेस लगने वाला काम? अनटिल, तब तक जब तक इंट्रोडक्शन आया GST नाम के एक्ट का। GST लगने से पहले तक हमने दिया, उसके बाद हमने नहीं दिया। इस सेंटेंस में एक कॉन्सेप्ट भी है देखने का, और दो वर्ड्स भी हैं नए देखने वाले। देखिए, इनडिस्प्यूटेबल को मैंने आपको बताया, जिसको डिस्प्यूट नहीं कर पाओ, जिसको झुठला नहीं पाओ। जैसे कोई बोले दो और दो चार, दिस इज एन इनडिस्प्यूटेबल फैक्ट, दिस फैक्ट कैन नॉट बी डिस्प्यूटेड। इसके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड है, वन वर्ड, इररेफ्यूटेबल, जिसको आप रेफ्यूट नहीं कर पाओ। इनडिस्प्यूटेबल, इररेफ्यूटेबल, और इसके कॉमन सिनोनिम्स तो कौन से होंगे? दो, अनक्वेश्चनेबल, जिस पे सवाल नहीं कर पाओ, अनडिनाइबल, जिसको मना नहीं कर पाओ। चारों के चारों सिनोनिम्स है। इररेफ्यूटेबल को आप ध्यान रखें, बहुत बार पूछा जाता है। रेमिट मैंने आपको बता दिया, भुगतान करना, पेमेंट करना। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या देखने वाला था? द नंबर ऑफ टॉयलेट्स हैज गोन अप। यहाँ पे टॉयलेट्स है, साथ में हैज लगा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट झुठला दिया इसने। कैसे हो गया ये? देखो, ये नंबर और ऑफ, ऑफ प्रेपोजिशन के बाद लगा हुआ नाउन टॉयलेट्स, ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है टॉयलेट्स। एक्चुअल में टॉयलेट इस हैज का सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। इस हैज का सब्जेक्ट कौन है? देखो, दैट के बाद में कंजंक्शन आया, कंजंक्शन के बाद द नंबर नाम का नाउन आया। ये नाउन किसी से नहीं जुड़ा हुआ, इसके बाद कोई वर्ब नहीं है, इससे पहले कोई प्रपोजिशन नहीं है। तो ये द नंबर है ना, ये इस हैज का सब्जेक्ट है, ये टॉयलेट तो इस ऑफ का ऑब्जेक्ट है। तो द नंबर ऑफ टॉयलेट्स हैज गोन अप, ये हैज लगा है नंबर के लिए, नंबर सिंगुलर है इसलिए हैज लगा है। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लगता है देखने में लोगों को, द नंबर ऑफ टॉयलेट्स हैव क्यों नहीं आएगा, समझ रहे बात को? तो नंबर के लिए अपनों ने हैज लगाया, टॉयलेट्स के लिए लगाते तो हैव लगाते, इसको याद रखें आप। द नंबर ऑफ माई फ्रेंड्स इज 5। आप कोई पूछे यार फ्रेंड्स तो 5 है, इज क्यों लगा रहे हो, आर क्यों नहीं लगा रहे हो? क्योंकि नंबर जो है ना वो 5 है। फ्रेंड्स मेरे 5000 हो सकते हैं, 5 लाख हो सकते हैं, पर उस आंकड़े की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं इज लगा के उस आंकड़े को इज लगा के मैं बता रहा हूँ आपको। आगे बढ़ते हैं, कह रहे येट, फिर भी, देर इज एविडेंस, वहाँ है जो है सबूत है, प्रमाण है, एविडेंस है, टू शो, ये दिखाने के लिए, दैट वो ये कि दिस हैज़ नॉट, ये नहीं हो चुका है अभी तक ट्रांसलेटेड इनटू। देखिए, ट्रांसलेट इनटू मैंने आपको कल ही बताया था, कन्वर्ट करना, किसी चीज़ में बदल जाना। करे, ये अभी भी एविडेंस मिल चुकी है इस चीज़ की, अभी भी एविडेंस है, ये दिखाने के लिए कि ये जो ऊपर वाला आप देख रहे हो ना, टैक्स दिया और सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुए टॉयलेट्स, ये अभी तक ट्रांसलेट नहीं, इनटू नहीं हुआ है, ये अभी तक बदलाव नहीं लाया है। किस चीज़ में नहीं बदला है? यूज़ एवरीवेयर, हर तरफ यूज़ में। टॉयलेट बनना और टॉयलेट को यूज़ करना टू सेपरेट थिंग्स। टॉयलेट बनाने से लोग टॉयलेट यूज़ करने नहीं लग जाएंगे, कहने का मतलब ये। ट्रांसलेट इनटू इज अ फ्रेजल वर्ब, इसका मतलब होता है कन्वर्ट इनटू या कल्मिनेट इनटू। कल मुझसे एक व्यूअर ने पूछा, सर ट्रांसलेटेड के साथ में इन क्यों नहीं आया, इनटू क्यों आया? इनटू तब आता है जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आप एंटर करते हो, जैसे द आइस मेल्टेड इनटू वाटर, समझ रहे बात को? आइस फॉर्म से वाटर फॉर्म में आ रहा पानी, तो इनटू आएगा। यू वॉक्ड इनटू अ रूम, आप बाहर से अंदर जा रहे हो, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहे हो ना, तो यू वॉक इनटू अ रूम। तो ट्रांसलेट इनटू का मतलब, कन्वर्ट इनटू का मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना, इसलिए इन की जगह आपने यूज करते हैं इन टू। कह रहे, द NSO सर्वे रिजल्ट्स एड अ न्यू डायमेंशन। जो NSO सर्वे है ना, उसके जो रिजल्ट्स है, एक नई डायमेंशन को ऐड करते हैं। ऐड करना मतलब जोड़ना, न्यू मतलब नया, डायमेंशन होता है पहलू, नया एस्पेक्ट, नया स्कोप, एक नए एस्पेक्ट को ऐड कर देते हैं, पहलू को ऐड कर देते हैं। सिंस दे कॉन्ट्रोवर्ट डेटा, क्योंकि ये कॉन्ट्रोवर्ट करते हैं। कॉन्ट्रोवर्ट करने का मतलब क्या है? किसी चीज़ की खिलाफ हो जाना, अपोज करना, चैलेंज करना, क्योंकि ये चुनौती देते हैं डेटा को। कह रहे, रिलाइड अपॉन बाय द स्वच्छ भारत अभियान, जो कि रिलाइड अपॉन है, जिसके ऊपर डिपेंडेंस है, जिसके ऊपर निर्भरता है, इस स्वच्छ भारत अभियान नाम की स्कीम की। और किस चीज़ के लिए? ऑन ODF, ओपन डेफिकेशन फ्री के लिए, समझ बात को? तो एक नई डायमेंशन क्या मिली इस डेटा से, नया पहलू ये पता चला कि ये क्योंकि कन्वर्ट कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं उसी डेटा को, जिसको डेटा पे स्वच्छ भारत
अभियान ODF के डिक्लेरेशन कर रहा है, ओपन डेफिकेशन फ्री होने की दावे कर रहा है। कॉन्ट्रोवर्ड मैंने आपको बता दिया, नहीं पहली बार आपने मेरे साथ ये वर्ड देखा है, कॉन्ट्रोवर्ड वर्ड से बना है कॉन्ट्रोवर्सी। कॉन्ट्रोवर्ड जो चीज़ करे, जो चैलेंज करे, जो अपोज करे, वही चीज़ जाकर के कॉन्ट्रोवर्सी बनती है। डायमेंशन का मतलब पहलू होता है, आपने एस्पेक्ट देख लिया, स्कोप होता है इसका एक सिनोनिम, और एक बहुत जस्ट सिनोनिम है पहलू का, फेसेट। आगे बढ़ते हैं, इट विल टेक अ मैराथन प्रोग्राम, ये लेगा, इट विल टेक, इसको जरूरत होगी एक ऐसे प्रोग्राम की जो होती है मैराथन। मैराथन क्या होता है? लंबी रेस, उसको कहते हैं मैराथन। तो एक लंबा चलने वाला बहुत बड़े स्केल का प्रोग्राम है ना, उसकी है जरूरत इस काम को करने के लिए। इट विल टेक ए मैराथन प्रोग्राम, क्या करने के लिए? टू ब्रिंग ऑल राउंड डेवलपमेंट टू इंडियाज विलेजेस, ब्रिंग करने के लिए, लाने के लिए ऑल राउंड। ऑल राउंड क्या होती है जानते हो ना, ऑलराउंड, हर तरफ से, हर एंगल से डेवलपमेंट को, विकास को, टू इंडियाज विलेजेस, इंडिया के विलेजेस तक। कह रहा विच हैव नॉट रियली बेनिफिट फ्रॉम, जो कि हैव चुके हैं, नॉट नहीं, रियली वास्तव में, बेनिफिट फ्रॉम, बेनिफिट ऑन फ्रॉम होना मतलब फ़ायदा लेना, जो कि वास्तव में फ़ायदा नहीं ले चुके हैं, किसका? ईयर्स ऑफ फास्ट पेस इकोनॉमिक ग्रोथ, उन ईयर्स का, उन सालों का जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ के हैं और बड़े फास्ट पेस्ट, बहुत तेज़ी से जो इकोनॉमिक ग्रोथ आई है उन कई सालों का कभी भी मजा ले नहीं पाए अपने इंडिया के विलेजेस। विच लगाया रिलेटिव प्रोनाउन है, इंडिया के विलेजेस के लिए लगाया क्योंकि ये इंसान नहीं है, अगर इंसान होते तो हु लगा होता, हु विच दैट का कॉन्सेप्ट आप मेरे साथ अलग वीडियो में देख चुके हो, ऊपर डाल रहा हूँ जिन लोगों ने नहीं देखा देख लेना। कह रहा रूरल हाउसिंग एंड वाटर सप्लाई आर की टू ब्रिंगिंग, जो रूरल हाउसिंग है गाँवों में घर बनाना और क्या वाटर सप्लाई देना, ये दोनों चीज़ें क्या हैं, आर लगा के बता रहा है, की टू हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, किस काम के लिए? ब्रिंग करने के लिए, ब्रिंगिंग टॉयलेट के एक्सेस को, टॉयलेट की पहुंच को, टू ऑल, सभी तक। कह रहा है एंड और क्या, इट इज़ डाउटफुल, इस चीज़ पे बड़ा डाउट है, वेदर हाँ के ना, द 2.95 करोड़ सब्सिडाइज ड्वेलिंग टारगेटेड टू बी बिल्ड बाय, जो इतने करोड़ सब्सिडाइज, सब्सिडी वाली, गवर्नमेंट के पैसे से बनने वाली ड्वेलिंग्स हैं। ड्वेलिंग्स क्या होते हैं? हाउस की यूनिट को, एक छोटे से झोंपड़े को ड्वेलिंग बोलते हैं, छोटे से घर को ड्वेलिंग बोलते हैं। तो जो इतने सारे सरकार के पैसे से बनने वाले ड्वेलिंग्स हैं, जो छोटे छोटे घर हैं, जो कि है टारगेटेड टू बी बिल्ट, जिनको टारगेट किया गया होना, टू बी मतलब होना, बिल्ट मतलब बनाया जाना, जिनका टारगेट है उनका बनाया जाना, और कहाँ तक, कब तक? बाय 2022, 2022 तक, अंडर द गवर्नमेंट्स फ्लैगशिप हाउसिंग प्रोग्राम, नीचे सरकार के सबसे मेन, सबसे चीफ फ्लैगशिप हाउसिंग प्रोग्राम के। कह रहे कैन ब्रिज द शॉर्टफॉल, कर सकता है इस शॉर्टफॉल को, कमी को ब्रिज, ब्रिज का मतलब क्या होता है? खाई को पाटना, ब्रिज द शॉर्टफॉल मतलब खाई को भरना। देखो ये सेंटेंस थोड़ा सा लंबा है, यहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ तक चल रहा है, इसको मैं एक बार सारे पीसेज को जोड़ रहा हूँ, फिर इसमें एक दो चीज़ें देखने वाली है। रूरल हाउसिंग और वाटर सप्लाई है ना, ये की टू हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ब्रिंग करने के लिए टॉयलेट के एक्सेस को, सब तक टॉयलेट पहुँच पाए या सब टॉयलेट तक पहुँच पाए, टू ऑल, सभी के लिए। कह रहा, और ये बड़ी डाउटफुल बात है, हाँ के ना, कि इतने करोड़ सब्सिडी से बनने वाले जो ड्वेलिंग्स हैं, जिनको टारगेट किया गया बनाना, जो कि टारगेटेड है बनाने 2022 तक, सरकार के फ्लैगशिप हाउसिंग प्रोग्राम के अंडर, नीचे। कह रहा है कैन ब्रिज द गैप, ये डाउटफुल है कि ये जो है ना ब्रिज कर सकते हैं गैप को, इस खाई को भर सकते हैं। ब्रिज द गैप के बहुत अच्छे सिनोनिम आप मेरे साथ देखे हैं, प्लग द गैप या ब्रिज द होल या प्लग द होल, इन सब का मतलब क्या होता है? खाई को पाटना। करे इट इज़ वेल रिकग्नाइज्ड, ये चीज़ बड़ी अच्छे से सब जानते हैं, वेल रिकग्नाइज्ड है, सबको पता है, दैट वो ये कि डेवलपमेंट इंडाइसिस आर लो इन सम स्टेट्स, जो विकास के, ग्रोथ के, डेवलपमेंट के इंडाइसिस हैं। इंडाइसिस क्या होते हैं? ग्राफ। इंडाइसिस होते हैं अलग अलग स्टैंडर्ड्स। कह रहे हैं जो डेवलपमेंट के कई स्टैंडर्ड्स हैं ना, इंडाइसिस हैं, वो बहुत कम है इन सम स्टेट्स, कुछ स्टेट्स के अंदर। ये बड़ी वेल रिकग्नाइज बात है। और क्या बात है दूसरी? एंड लोकल बॉडीज़ लैक द कैपेसिटीज़, जो लोकल बॉडीज़ हैं, म्यूनसिपालिटीज़ हैं, कॉरपोरेशन हैं, लोकल बॉडीज़ हैं, वो लैक करती हैं, कमी है उनमें कैपेसिटी की, क्षमता की, काम को करने की, स्किल्स की, और रिसोर्सेज की, और पैसे की, संसाधनों की, क्या करने के लिए? टू ब्रिंग यूनिवर्सल सैनिटेशन, लाने के लिए
हर तरफ यूनिवर्सल साफ सफाई को, कह रहे आगे इवन वेयर पॉलिटिकल विल इज प्रेजेंट, यहाँ तक कि इवन वहाँ पे जहाँ पे पॉलिटिकल विल, पॉलिटिकल मतलब सियासी, विल मतलब जज्बा, जहाँ पे सियासी इंटेंशन सियासी जज्बा भी प्रेजेंट हो। समझ बात को, ये बड़ा वेल रिकॉग्नाइज फैक्ट है कि डेवलपमेंट इंडाइसिस कई स्टेट्स में बहुत ही कम है। बिहार की बात करते हैं, ओडिशा की बात करते हैं, अपने बंगाल की बात कर रहे हैं, और लोकल बॉडीज के पास इच्छा ही नहीं है काम करने की, कैपेसिटी नहीं है उनके पास, ना उनके पास रिसोर्सेज हैं, पैसे हैं लाने के लिए सैनिटेशन सफाई को यूनिवर्सली, और यहाँ तक कि वहाँ पे उन क्षेत्रों में भी, उन जगहों पे भी जहाँ पे सियासी पॉलिटिकल पैशन जो है मौजूद है, होने के बावजूद भी ये जो है ना बड़ा मुश्किल होने वाला काम है इस विल के। विल का मतलब क्या है, यहाँ पे कोई विल वर्ब नहीं है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, इसका मतलब होता है आपकी इच्छा। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहाँ चाहे वहाँ राय, समझ लो। विल का मतलब क्या है, आपकी इंटेंशन, आपका पैशन, रिजोल्व, इंक्लिनेशन और वॉल्यूशन। वॉल्यूशन बहुत जैसे सिनोनिम है विल का, आपकी इच्छा। आगे बढ़ते हैं, सस्टेन्ड वर्क टू एलिमिनेट ब्लैक स्पॉट्स इन कवरेज। सस्टेन्ड लगातार बना हुआ, कंसिस्टेंटली बना हुआ, कह रहे जो कंसिस्टेंटली होने वाला जो वर्क है ना, काम है क्या करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए ब्लैक स्पॉट्स, काले धब्बों को इन कवरेज, कवरेज के अंदर, जो कवरेज के अंदर अभी जो काले धब्बे जो उछल रहे हैं ना गवर्नमेंट के ऊपर, उसको जो है एलिमिनेट करने के लिए, कह रहे और किसके लिए, अ मैसिव अर्बन प्रोग्राम आर क्रिटिकल। तो एक तो सस्टेन्ड वर्क जरूरी है और एक बड़ा साई मैसिव साई अर्बन प्रोग्राम जो है ना, ये दोनों चीज़ें हैं क्रिटिकल। आर लगा है इन दोनों चीज़ों के लिए, दो चीज़ें इसलिए अपने प्लूरल नाउन बन गया यहाँ पे। ये क्रिटिकल हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है टू एंडिंग, एंड करने के लिए, ओपन डेफिकेशन, खुले में टॉयलेट जाने को, एंड यूनिवर्सलाइजिंग टॉयलेट एक्सेस, यूनिवर्सलाइज करने के लिए, सब तक पहुँचाने के लिए टॉयलेट के एक्सेस को। समझ बात को, ये दो चीज़ें बड़ी क्रिटिकल हैं, इंपॉर्टेंट है। अब सेंटेंस में देखने वाली चीज़ एक यहाँ पे क्रिटिकल टू, एक चीज़ यहाँ पे ऊपर आई थी की टू, आपकी ये फ्रेजल वर्ब्स हैं जिनके बाद में टू आने के बावजूद आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेते हो, बार बार रिपीट होती हैं ये अपने एडिटोरियल्स में, की टू, अनएकस्टम टू, एकस्टम टू, हैबिचुअल टू, नीचे क्रिटिकल टू, इन सब का मतलब क्या है, इनके बाद में अगर वर्ब आएगी ना तो आईएनजी फॉर्म लेगी, इसलिए यहाँ पे की टू ब्रिंगिंग लगाए, क्रिटिकल टू एंडिंग लगाए। चलिए इसी के साथ अपना एजी सा ट्यूटोरियल था, आपको पढ़ने में मजा आया होगा आई होप, और कुछ नया सीखा हो, वास्तव में मजा आया हो। गिव अ लाइक टू द वीडियो, यू कैन शेयर इट टू द ग्रुप्स, रेलेवेंट ग्रुप्स, चाचा मामा ताऊ को मत भेजना भाई, आधे पौना घंटा कोई वेस्ट नहीं करेगा, सही जगह भेजो जहाँ पर इनकी ज़रूरत है, यही मेरी आपसे गुजारिश है। कल फिर मुलाकात लूँगा कल सुबह के न्यूज़पेपर के साथ, दे इजाज़त मुझे कल सुबह तक के लिए, साइनिंग आउट।